सेमीफाइनल के दबाव में बिगड़ा अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत, पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.5 ओवर में 10 विकेट पर 56 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाए और मौजूदा टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। टी20 विश्व कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच 9 विकेट से जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.5 ओवर में 10 विकेट पर 56 रन बनाए। इस स्कोर पर ऑल आउट होना टी20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में किसी टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाया और मौजूदा टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मौजूदा टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीमें अब तक अजय हैं। यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले 2014 में वह सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई थी। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया था। मार्करम हेंड्रिक्स ने टीम को फाइनल में पहुंचाया। 57 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका फजल फारूकी ने 5 रनों के स्कोर पर दिया। उन्होंने क्विंटन डिको को बोल्ड किया। इसके बाद मोर्चा रिजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज हेंड्रिक्स ने 29 और कप्तान मार्करम ने 23 रन बनाए। ताश के पत्तों की तरह बिखरा अफगानिस्तान का बल्लेबाज क्रम। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने मैच 57 रनों का लक्ष्य रखा था। इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और विरोधी गेंदबाजों के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन 10 रन अजमतुल्ला उमरजई ने बनाया। शेष कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से मार्को यानसेन और तब्रेज शमसी ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं कागिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्थजे ने 2-2 विकेट हासिल किए।